ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पॉपुलर जोड़ी हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर को लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि दे आर डेटिंग इन रियल लाइफ। इन खबरों को शांत कर दिया है इस कपल ने जब दोनों साथ में एक वीडियो शेयर करते नजर आए, जहां प्रणाली राठौर ने ये बात क्लियर की है कि हर्षद सिर्फ उनके को स्टार है और एक BFF की तरह है, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि उनका नाम हर्षद के साथ एज अ कपल ना जोड़ा जाए। हर्षद भी यहाँ पर उनके साथ वीडियो में नजर आए और दोनों काफी ज्यादा हंसते हुए दिखे इस रूमर पर। आपको बता दें, हर्षद चोपड़ा के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार पहले भी हर्षद का नाम उनके को स्टार्स के साथ जुड़ चुका है। पहले भी रूमर्स थे कि हर्षद चोपड़ा अपनी को स्टार स्मृति झा को डेट कर रहे हैं। दोनों साथ में नजर आए थे सौभाग्यवती भव में। इस शो को देखने के बाद बहुत लोगों को लगा था कि हर्षद और स्मृति रियल लाइफ में भी कपल है, लेकिन बाद में हर्षद ने क्लैरिफाई किया था कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्षद चोपड़ा का फर्स्ट शो किस देश में मेरा दिल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और अदिति गुप्ता के साथ भी उनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद की गई थी। कहा गया था कि दोनों एक दूसरे को रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। अदिति और हर्षद दोनों ने बाद में ये बात क्लैरिफाई की थी कि दे आर नॉट डेटिंग। एकता कपूर से फैंस ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इन दोनों को एक बार फिर से साथ में कास्ट किया जाए। हर्षद चोपड़ा की केमिस्ट्री जेनिफर विंगेट के साथ सीरियल बेपनाह में भी बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। दोनों के कई पैशनेट रोमांटिक सीन्स भी दिखे थे, और इसके बाद भी फैंस ने अज्यूम कर लिया था दैट दे आर मोर देन गुड फ्रेंड्स। हर्षद और जेनिफर दोनों ने क्लैरिफाई किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्षद चोपड़ा के फैंस रियल में चाहते हैं कि उनकी लव स्टोरी की शुरुआत जल्दी हो, लेकिन वो प्यार में पड़ने को तैयार ही नहीं है, या फिर वो शादी भी नहीं करना चाहते हैं। हर्षद ने कई बार कहा है कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं।